दोस्तों आडवाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मोबाइल फोन के एक ऐसी गजब की सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो 100% कोई भी मोबाइल यूजर ये ट्रिक के बारे में नहीं जानते होंगे, ना आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों ये ट्रिक की मदद से अपने कॉल हिस्ट्री में अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने कॉल हिस्ट्री में अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं और चाहते तो अपने गर्लफ्रेंड का भी फोटो लगा सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड देख लेता है वो तो चौंक ही जाएगा और आपसे जरूर सवाल करेगा कि अपने कॉल हिस्ट्री में अपना फोटो कैसे लगाया। तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप उसे बता सकते हैं, देख सकते हैं हम अपने मोबाइल के अंदर कॉल हिस्ट्री में अपना फोटो लगाया कुछ इस तरह से, जो काफी कमाल की अट्रैक्टिव लुक दिखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप भी अपने कॉल हिस्ट्री में अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर वो ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से अपने कॉल हिस्ट्री में अपना फोटो लगा सकते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी ट्रिक है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ पे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और यहाँ पे घंटा है ना, इसे घंटा को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो का अभी तक शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और नीचे जाने के बाद एक कमेंट करना होगा। क्या कमेंट करना होगा? बेस्ट ट्रिक लिखना होगा और यहाँ पे सेंड करना होगा। बस इतना छोटा सा काम कर देते हैं और ये छोटी सी काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है फ़ोन। जी हाँ, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से आप फोन डायलर आप यूज़ करते होंगे तो आप अपना फोटो नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मेरे मोबाइल के अंदर ये फोन डायलर है तो इसके अंदर मैं अपना फोटो नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी हिस्ट्री में फोटो सेट करने के लिए 3 डॉट में जाना होगा और 3 डॉट में चले जाएं, सेटिंग में चले जाएं और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा पर्सनालिटी सेटिंग से, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने कॉल लॉग बैकग्राउंड, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि हटा कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो हट गया हिस्ट्री के अंदर। तो फिर से मैं फटाफट सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे पर्सनल सेटिंग में और कॉल लॉग में जाता हूँ और यहाँ पे गैलरी को चूज़ कर लेता हूँ। और जैसे गैलरी को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपके गैलरी में चले जाएगा तो यहाँ पे मैं फ़ोटो को ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ये वाला फ़ोटो मैंने ले लिया हूँ और ये फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं और क्रॉप करने के बाद डन पे क्लिक कर लीजिए। और जैसे डन पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा और आप अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री में अपना फ़ोटो लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। देख सकते हैं काफ़ी कमाल की लुक दिखने को मिलता होगा। अगर आप पुराना सा बोरिंग सा वही कॉल हिस्ट्री आप यूज़ करते होंगे वो छोड़ो, ये वाला ट्रिक को यूज़ करके अपने मोबाइल के अंदर कॉल हिस्ट्री में अपना खुद का फ़ोटो लगा सकते हैं जो काफ़ी कमाल की है। और यहाँ पे आप इस तरह से कॉल भी कर सकते हैं, इस तरह से आप जैसे आप नॉर्मल कॉल करते हैं उसी तरह से आप कॉल कर पाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी कमाल की ट्रिक लगा इसलिए मैंने आप सभी को बताया। तो इस एप्लीकेशन को जल्दी इंस्टॉल करके आप लोग यूज़ कीजिए। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।